अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर के मुख्य द्वार पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बेहद खूबसूरत प्रवेश द्वार। इस मंदिर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा क्योंकि ये एक चमत्कारिक मंदिर माना जाता है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। कई तरह की खासियत से लैस है ये मंदिर, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो चर्चा रही है इसकी वो ये कि यहाँ पर कुछ चुंबकीय आकर्षण है और इस वजह से इस मंदिर के पास जो खास अनुभूति होती है वो इस धरती पर, इसके अलावा सिर्फ दो ऐसी जगह हैं जहाँ की इस तरह की अनुभूति देखी गई है। स्वामी विवेकानंद और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ पर आए हैं। काफी घुमावदार चढ़ाई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, 10 से 12 मिनट आपको लगेगा अगर आप सिंपली चलते रहेंगे। और इसके बाद हम ऊपर पहुंचेंगे और ऊपर चल के हम आपको दर्शन कराएंगे माता कसार देवी के और देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या खास है, किस वजह से अल्मोड़ा के इस मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यताएं हैं। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों पर बसा देवी का एक मंदिर जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि चमत्कारिक शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। देवदार और ओक के जंगलों से घिरा हुआ एक अद्भुत स्थान जहां बस 10 मिनट की ट्रैकिंग करके आप पहुंच सकते हैं और यहां से पूरे अल्मोड़ा की अदम्य सुंदरता को निहार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड में मौजूद एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 60-70s के दौर में जब हिप्पी मूवमेंट अपने चरम पे था तो उसमें काफ़ी सारे फिलासफर्स, राइटर्स इस जगह में आना शुरू हुए। लोग शामिल थे जैसे टिमोथी लेरी, जिसको फादर ऑफ हिप्पी मूवमेंट भी कहा जाता है, और विलियम वर्ड्सवर्थ, हरमन हेसी जर्मन राइटर, बॉब डिलन और बहुत सारे ऐसे लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आना शुरू हुए। तो इस मंदिर के बारे में मैंने भी सुना और अपनी फैमिली के साथ नोएडा से यहाँ दर्शन के लिए आ पहुँची। तो इधर से चढ़ाई करके अभी हम लोग आए हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी सिर्फ हम आधे रास्ते आ पाए हैं और थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है लेकिन रास्ता चूंकि बना हुआ है इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, हालांकि धूप तो है लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। दीदी से और राहिनी से मैं पूछती हूँ कि थके क्या, थक गए आप लोग? हाँ, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है और हमें आदत नहीं है ना, हमने यूज्ड टू नहीं है पहाड़ों पर चढ़ने की, इसलिए अच्छा। बस जरा सी चलो। दूर नहीं था मंदिर, बस हम लोग पहुंचे गए, बस थोड़ी सी ही चढ़ाई थी, ज़्यादा दूर नहीं था। और यहाँ पर एक दुकान है जहाँ से कि आप प्रसाद या चुनरी माता को चढ़ाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में उत्तराखंड टूरिज्म का एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है। और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी महिलाएं हैं जो कि इस वक्त, हालांकि दोपहर का लगभग, दोपहर तो नहीं कहेंगे, मॉर्निंग टाइम ही है क्योंकि 12 नहीं बजा है, लगभग 10:45 के आसपास का समय हो रहा है। धूप हालांकि काफ़ी कड़ी है इसलिए दोपहर जैसा महसूस हो रहा है। और काफ़ी लोग यहाँ पर प्रसाद चुनरी सब खरीद रहे हैं। इधर से भी एक रास्ता है लेकिन ये सीढ़ी वाला रास्ता है, इधर से भी आप जा सकते हैं, सीढ़ी वाला रास्ता है। हम इस रास्ते से आए हैं जो कि थोड़ी सी पहाड़ी चढ़ाई है, इसमें सीढ़ी तो नहीं है लेकिन काफ़ी खूबसूरत देवदार के जो पेड़ हैं उनके बीचों बीच से होकर के यहाँ तक पहुँचना अपने आप में काफ़ी अच्छा एहसास है। और बिल्कुल भी कोई खड़ी चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल है, और पहाड़ों के बीच से खूबसूरत रास्तों से होते हुए आप यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको ऊपर दर्शन कराते हैं। ये है कसार देवी माता का मंदिर जो उत्तराखंड में मौजूद एक छोटे से शहर अल्मोड़ा में स्थित है। तो आज हम आपको इसी मंदिर से जुड़े कुछ चमत्कारिक अनुभवों के बारे में बताएंगे और माता के दर्शन भी कराएंगे। इस मंदिर का निर्माण लगभग 2nd शताब्दी में किया गया था, उसके बाद से ही ये ध्यान और साधना का प्रमुख केंद्र बन गया क्योंकि इस मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र वैन एलन बेल्ट कहा जाता है, जहां धरती के भीतर विशाल भूचुंबकीय पिंड है। इस पिंड में विद्युतीय चार्ज कणों की परत होती है जिसे रेडिएशन भी कह सकते हैं। पिछले 2 साल से नासा के वैज्ञानिक इस बेल्ट के बनने के कारणों को जानने में जुटे हैं।
इस वैज्ञानिक अध्ययन में ये भी पता लगाया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क या प्रकृति पर इस चुंबकीय पिंड का क्या असर पड़ता है। अब तक हुए इस अध्ययन में पाया गया है कि अल्मोड़ा के इस मंदिर के अलावा दक्षिण अमेरिका के पेरू स्थित माचू पिच्चू और इंग्लैंड के स्टोन हैंग में भी ऐसे ही अद्भुत समानताएं हैं। इन तीनों जगहों पर चुंबकीय शक्ति का विशेष पुंज है, जिससे माना गया कि ये मंदिर ध्यान साधने के लिए एक अच्छा केंद्र है। स्वामी विवेकानंद 1890 में कुछ महीने के लिए यहाँ आए थे और ध्यान में लीन होकर साधना करते रहे थे। बताते हैं कि यहाँ उन्हें खास तरह की शक्तियों की अनुभूति हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने एक भाषण में यहाँ के लोगों को भी बताया था। अच्छा है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। नीचे कसार देवी टेम्पल है, ऊपर भोले बाबा का मंदिर है। दोनों में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुश्किल से 20-25 सीढ़ियाँ होंगी। पीछे साइड में कुछ फोटो स्पॉट्स भी हैं, सो यंगस्टर से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, तो सबके लिए ही एक तरीके से फुल पैकेज है। यहाँ पे एज पर रिसर्च, नासा की रिसर्च के अनुसार यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पूरे वर्ल्ड में, एक यूएस में एक जगह पे, एक जगह यूके में, वो अभी भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड सेम तीन जगह पे कैसे जनरेट है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो दूसरी शताब्दी में बना ये मंदिर 1970 से 1980 की शुरुआत तक डच सन्यासियों का घर हुआ करता था, जहां बाद में बौद्धों ने अपना स्थान बना लिया था। इस मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ प्राचीन समय में माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षसों का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था, और तभी से यहाँ माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर की संरचना बेहद सरल और खूबसूरत है, जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। यहाँ से कई खूबसूरत दृश्य और सौंदर्य देखने को मिलते हैं। कैसा लगा यहाँ दर्शन करके? काफी अच्छा लगा। छोटा सा माता का मंदिर है और नजारा काफी खूबसूरत है। रायनी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मंदिर। दीदी, बहुत मजा आया। खास करके माता की जो मूर्ति है वो काफी मनमोहक है, और घंटे की ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों एक साथ गूंज रही होगी जो अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही अलग टाइप का अनुभव है। साथ में इतने सारे जो पहाड़ के ऊपर लगे हुए वृक्ष हैं, ये भी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि आप जब भी यहाँ तो कसार देवी माता का दर्शन अवश्य करें और उनके आशीर्वाद से। थैंक यू। ये मंदिर जिस तरह से एक खूबसूरत पहाड़ी पर बसा हुआ है, ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तो साथ ही ये स्थान शक्तियों से समृद्ध माना गया है, जहां लोगों को शांति का आभास होता है। ये मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, और यहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कसार मेला लगता है, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि इस मेले का महत्व सिर्फ देश के स्तर पर ही नहीं बल्कि विदेशी स्तर पर भी काफी है। इस स्थान पर आने वाले ही इसकी महत्ता को समझ सकते हैं या उसे बयां कर सकते हैं। तो कसार देवी माता के दर्शन हमने किए, आपको भी हमने दर्शन कराए, और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर, बहुत ही आनंद आ रहा है। मौसम अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, और खासकर पहाड़ों पर जब देवी का मंदिर होता है, जब थोड़ी सी चढ़ाई करके जाना होता है, तो उसका एक आनंद ही अलग होता है। क्योंकि साधारण जगहों पर मंदिर में तो हम लोग जो मैदानी इलाके हैं उसमें हर रोज जाते ही हैं, और हमारे लिए वो आम बात हो जाती है। लेकिन जब पहाड़ों पर दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, तो उस मंदिर की जो खूबसूरती, जो सौम्यता होती है, जो वातावरण होता है, वो अद्भुत नजर आता है। उसी तरह का ये एक मंदिर है, और देखिए किस तरह से ये चट्टान है, इन चट्टानों को काट करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और गुलाबी रंग में रंगा हुआ ये मंदिर स्तंभ बहुत खूबसूरत, माता के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और इधर देखिए नीचे किस तरह से ये घाटी नजर आ रही है आपको, बहुत ही गहरी खाई है, और यहाँ से ऊपर का जो नज़ारा है पूरे अल्मोड़ा का, वो ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम लोगों को इस तरफ मंदिर में जाना है, जो कि शिवजी का मंदिर है, देवी का जो मंदिर है। देवी के मंदिर के साथ ही भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये इन सीढ़ियों से होते हुए जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर वहाँ शिव मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी आपको अब लेकर के चलते हैं शिवजी के मंदिर, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ से और नज़ारा और कितना खास आता है नज़र, क्योंकि वो और ऊँचाई पर है और उसकी खूबसूरती यहाँ से भी ज्यादा ऊपर बेहतर नजर आ रही है। तो चलिए अब वहाँ भी आपको लेकर के चलते हैं, दर्शन करते हैं। माता के मंदिर से थोड़ी सी ऊंचाई पर भगवान भोलेनाथ का भी एक मंदिर है, जहां तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियों को तय करना होता है, यानी शिव और शक्ति दोनों साथ साथ हैं।
यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले एक भैरव मंदिर फिर एक शिव मंदिर नजर आता है। यहाँ की प्राकृतिक छटा कमाल की है जो हर उम्र वर्ग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बच्चे बूढ़े सभी इस जगह पर आकर आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करते हैं। इस धरती के आसपास भू चुंबकीय पिंड होने के दावे किए जाते रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी इन दावों को प्रमाणित किया है। और भगवान भोलेनाथ का ये एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मंदिर है, यहाँ भी हमने दर्शन किए, आपको भी दर्शन कराए। और देखिए किस तरह से पहाड़ों को काट काट के इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। नीचे जो कसार देवी का मंदिर है उसको हालांकि कलर कर दिया गया है तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन इस मंदिर की जो संरचना है इसको देखकर बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं कि काफी हद तक ये पत्थरों को काट काट कर ही इन्हें बनाया गया है, अलग से इनको कलर नहीं किया गया है। और यहाँ से जो नीचे का नजारा है वो बेहद खूबसूरत है। काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि छोटा सा मंदिर है, ऊपर बैठने की भी जगह है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं आप चबूतरे बने हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरती है। और उसके बीचों बीच ये दोनों मंदिर है, यानी कि नीचे कसार देवी का मंदिर, उससे थोड़ी सी ऊपर जो चढ़ाई है उसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये खास मंदिर। तो आप भी जब यहाँ पर घूमने के लिए आए, यानी कि आप अल्मोड़ा या आसपास के जगहों पर घूमने के लिए आए, तो इस स्थान को कभी न भूलें, कभी न छोड़ें। इस स्थान पर जो अनुभूति है, जो खास एहसास है, वो अद्भुत है। शांति पाने के लिए आप भी यहाँ कुछ घंटे, कुछ देर या हफ्ते गुजार सकते हैं। यहाँ की हरियाली और नजारे आपको यकीनन मंत्रमुग्ध कर देंगे और ये खास स्थान आपको अलग एहसास कराएगा। यहाँ आप योग और मेडिटेशन भी कर सकते हैं और स्वयं की खोज में समय बिता सकते हैं। ये मंदिर काशय यानी कश्यप पर्वत पर स्थित है और अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बिनसर में अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे के पास ही स्थित है। यहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं और अपनी गाड़ी भी यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ घूमने आए, माता के दर्शन जरूर करें। नमस्कार।